मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलिया जी में विशाल तीन दिवसीय जलझूलनी एकादशी मेला आयोजित हो रहा है। मेले के दूसरे दिन रजत रथ में भगवान के विग्रह रूप को विराजमान कर भगवान सांवलिया सेठ की विशाल रथ यात्रा निकाली गई। मंदिर से सांवलिया सरोवर में स्नान करने के भगवान सांवलिया सेठ की रथ यात्रा में जमकर श्रद्धा का ज्वार उमड़ा। श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल बोर्ड के पदाधिकारी और मंदिर से जुड़े लोगों से बात की सहयोगी पीके अग्रवाल। भगवान सांवलिया सेठ का तीन दिवसीय जलझूलनी एकादशी मेले का कल जिस प्रकार से आगाज हुआ, निश्चित तौर पर आज मेले का दूसरा दिन है और भगवान सांवलिया सेठ जिस तरह से आज सुबह फाग खेला है और अब जिस प्रकार से बाल रूप को जिस झुलाने के लिए ले जाया गया है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है बड़ा उत्सव होता है। कैमरा पर्सन एक बार हमारे दर्शकों को दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। मंदिर से सीधे ही भगवान सांवलिया सेठ के फर्स्ट इंडिया के दर्शक सीधे ही मंदिर से दर्शन कर पा रहे हैं। भगवान सांवलिया सेठ की मनोहर छवि है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि तीन दिवसीय मेले में देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। जिस प्रकार से आज सुबह से ही फाग खेला जा रहा है और भगवान सांवलिया सेठ के बाल रूप को बैग रूप को ले जाया गया है, स्वर्ण रजत रथ से रवाना हुए हैं, कैसे देखते हैं आप पूरे इस दृश्य को? देखिए, आज पूरा धार्मिक माहौल है पूरे सांवलिया सेठ की नगरी में और अपार जन समूह श्रद्धालुओं की भीड़ है और सभी जल जो है उसमें गए हैं सरोवर हनुमान सरोवर पर झुलाने के लिए और धर्म पूरा सांवलिया सेठ की नगरी में धार्मिक माहौल है आज। अच्छा, तीन दिवसीय आयोजन है, तीन दिवसीय आयोजन में भक्त उमड़ते हैं, निश्चित तौर फाग खेलते हैं, भगवान जिस प्रकार से बैग रूप जाता है, कैसे देखते हैं पूरा आयोजन किस प्रकार से होता है? आयोजन सांवलिया सेठ का बहुत बड़ा एक मेवाड़ का धार्मिक और राजस्थान का स्थल है और यहाँ श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूर्ण होती है और सांवलिया सेठ का जलझूलनी एकादशी का सबसे बड़ा पर्व होता है। इस पर्व पे लाखों की तादाद में श्रद्धालु जन आते हैं और जयकारा लगाते हैं और सांवलिया सेठ का हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और यहाँ की सारी व्यवस्था बहुत ही चार चौकन की हुई है। श्रद्धा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर माह मंदिर का जो चढ़ावा है वो 11 करोड़ से ज़्यादा का निकलता है और जिस प्रकार से चढ़ावे की राशि है तो स्वाभाविक तौर पर कहा जा सकता है लोगों में आस्था है, आस्था का अटूट केंद्र है और उसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है जिस तरह से आज सुबह से रथ यात्रा निकल रही है जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं। उम्मीद करते हैं कि भगवान सांवलिया सेठ सभी की मनोकामना पूरी करे। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, श्री सांवलिया जी, चित्तौड़गढ़। श्री सांवलिया जी मंदिर में आयोजित हो रहे जलझूलनी एकादशी मेले का आज दूसरा दिन है। मेले में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे। मेले में तीन विशाल मंच बनाए गए हैं, सभी मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मेले में पहुंच रहे श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। श्री सांवलिया सेठ के तीन दिवसीय जलझूलनी एकादशी मेले में आयोजित हो रहे कार्यक्रम और व्यवस्थाओं को लेकर मंदिर मंडल के प्रशासनिक अधिकारी नंदकिशोर टेलर से बात की है सहयोगी पीके अग्रवाल। भगवान सांवलिया सेठ के जलझूलनी एकादशी मेले का आज दूसरा दिन और निश्चित तौर पर जिस तरह से भगवान ने फाग खेला है और जिस तरह से भगवान के बाल के रूप को ले जाया गया है स्वर्ण रथ में, निश्चित तौर पर हमारे साथ प्रशासन अधिकारी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं, किस तरह से देख रहे हैं पूरे मेले को आप? सांवलिया सेठ का त्रिदिवसीय जलझूलनी एकादशी का मेला कल से शुरू हुआ, आज उसका दूसरा दिन है। कल शोभा यात्रा थी और आज रथ यात्रा है। ठाकुर जी का बाल विग्रह है चांदी के रथ में विराजमान होकर यहाँ से गांव में भ्रमण करते हुए सरोवर पर पहुँचेगा, वहाँ ठाकुर जी स्नान करेंगे, उसके उपरांत वापस मंदिर पहुँचेगा, फिर आतिशबाजी का कार्यक्रम होगा, भजन संध्या व सांस्कृतिक के आयोजन भी मीरा रंगमंच, गोवर्धन बस स्टैंड रंगमंच और रेफरल हॉस्पिटल पर जो रंगमंच बना है वहाँ पे रखे गए हैं और अभी काफ़ी तादाद में लाखों की संख्या में लोग रथ यात्रा में शामिल हैं। स्वाभाविक है, जन जन की आस्था का केंद्र भगवान सांवलिया सेठ, जिस तरह से तीन दिवसीय मेला और मेले का दूसरा दिन है, कल मेले का समापन हो जाएगा, जिस प्रकार से लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, श्रद्धालु आ रहे हैं मेवाड़ मालवा के अलावा देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, उनकी व्यवस्थाएँ भी की गई हैं, कल समापन के दौरान किस प्रकार के आयोजन होने वाले हैं? कल समापन पर सांवलिया सेठ के जो विकलांग हैं उनको मोटराइज स्कूटी का वितरण होगा, प्रतिभावान छात्रों को पारितोषिक मिलेगा,
स्वाभाविक है, जिस तरह से भगवान सांवलिया सेठ के दर्शनों के लिए लोग पहुंचते हैं, कैमरा पर्सन दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो लाइनें चल रही है, ये कतारें चल रही है, कॉरिडोर है मंदिर का, और निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार इसी तरह से सुबह से अटूट लाइनें रहती हैं, निश्चित तौर पर हर कोई एक झलक पाने के लिए सांवलिया सेठ की आतुर रहता है। और फिलहाल जिस तरह से मेला चल रहा है, मेले का दूसरा दिन है, निश्चित तौर पर देर रात्रि को भव्य आतिशबाजी देखने को मिलेगी और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, मंदिर मंडल की ओर से हर व्यवस्था को अंजाम दिया गया है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, श्री सांवलिया जी, चित्तौड़गढ़। और चलिए इन खबरों के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों में आगे बढ़ेंगे। करौली के सपोटरा में मसावता गांव के पास 7 महीने की नवजात बच्ची का शव मिला है। पुलिस ने नवजात के शव को मोर्चरी में रखवाया है। जानकारी यह है कि शाम के वक्त कार में 3 महिलाएं आई थी, जिनमें से एक औरत कार से उतरकर सड़क के किनारे बैठ गई। गांव की महिला के पूछने पर शौच करने की बात कही गई, फिर अचानक कार में बैठकर वापस लौट गई। मौके पर मौजूद लोगों ने मौके पर जाकर देखा कि बाजरे की कुट्टी में नवजात का शव पड़ा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। धौलपुर में पचगांव चौकी के पास चोरों ने शराब की दुकान को निशाना बनाया है। चोरों ने 52,000 की नकदी और शराब की बोतलें लेकर फरार हो गए। दुकान की दीवार तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। दुकानदार की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच भी जारी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान कर ली है। फिलहाल पुलिस चोर की तलाश कर रही है। वहीं जैसलमेर के भड़ियाणा में चोरों ने दिन में ही बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने दिन दहाड़े घर के ताले तोड़कर घर पर हाथ साफ कर दिया। पूरा मामला बागथल गांव का बताया जा रहा है। बागथल गांव में केसराम चौधरी के घर के ताले तोड़कर चोरों ने 7 तोला सोना, 50 तोला चांदी सहित 1 लाख रुपए कैश चुराकर फरार हो गए। जबकि मकान मालिक इस दौरान खेत में काम कर रहा था। वहीं सूचना पर भड़ियाणा पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी। भड़ियाणा थाने के सहायक उपनिरीक्षक धनाराम मय जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाई। मनोहर थाना क्षेत्र के प्राचीन किले में स्थित माताजी के मंदिर के समीप लगे 2 काले चंदन के पेड़ अज्ञात चोर काटकर ले गए। पूर्व में भी यहां से चंदन के पेड़ काटने की घटनाएं हो चुकी हैं। किला चौकीदार कुसुम लता सेन ने यह बताया है कि रविवार रात्रि 2 बजे के लगभग ये वारदात हुई है, ये घटना हुई है। सुबह जब उठे तो मंदिर पर आए एक दर्शनार्थी ने उनको सूचना दी कि मंदिर परिसर में लगे चंदन के पेड़ कटे हुए हैं। इस मौके पर जाकर देखा तो 2 चंदन के पेड़ कटे हुए थे। उनकी टहनियों को काटकर अज्ञात चोर वहीं छोड़ गए और पेड़ के मुख्य तने को काटकर अपने साथ ले गए। सोमवार को पंचायत समिति मनोहर थाने का अवकाश होने के कारण थाने में मामला दर्ज नहीं कराया गया। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक किशोर सिंह व मनोहर थाना अधिकारी अजीत सिंह मौके पर पहुंचे और मौका निरीक्षण किया, मौका मुआयना किया। थाना अधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि अभी किसी और हालांकि मामला किसी पर दर्ज नहीं कराया गया है, लेकिन पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए सीसीटीवी फुटेज देखे हैं और आरोपियों की तलाश की जा रही है। 2 पेड़ चंदन के अज्ञात लोग काट के ले गए। एक बार पहले भी चोरी हो गई थी, चोर पकड़ा देता हमने, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं है अभी तो छुट्टी है ना, तो आज छुट्टी है, शाम मिलते नहीं। शाम जब कल कुर्सी पे बैठेंगे जब भी तो जाऊंगी मैं अकेले। डूंगरपुर में पुलिस चौकी से महज 200 फीट दूर नागेंद्र सिंह कॉम्प्लेक्स में दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई है। मुंह पर रुमाल बांधकर आया बदमाश बार बार चक्कर काट कर गया। दूसरी बार में अंदर घुसा और गल्ले से 1500 रुपए कैश निकालकर भाग गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई और पुलिस चोर की तलाश में जुटी है। राजसमंद पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में विशेष शाखा और खमनोर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के आधा दर्जन स्थानों पर दबिश देकर 2 पोकलेन मशीन, 1 जेसीबी, 3 ट्रैक्टर ट्रॉली, 1 डंपर, 1 बाइक और 1 कार को जब्त किया है। साथ ही साथ भारी मात्रा में अवैध बजरी का स्टॉक जब्त किया गया है। गौरतलब है कि जिला पुलिस को लगातार अवैध बजरी दोहन होने और नदी क्षेत्र में मशीनों द्वारा बड़े बड़े गड्ढे किए जाने के कारण हो रहे हादसों को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर कार्रवाई को अंजाम दिया।
खबर अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ से है, जहां पुलिस ने गत दिनों कस्बे के लीली की बांध पर बने एक कुएं के अंदर बोरे में मिले अज्ञात व्यक्ति के शव के मामले का खुलासा कर दिया है। व्यक्ति को गुरुग्राम से बुलाकर हत्या करने और शव को कुएं में डालकर साक्ष्य मिटाने के आरोप में दो महिलाओं सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से जो पूछताछ की है तो मामला ये सामने आया है कि आरोपियों ने आकाश सक्सेना को गुरुग्राम से अपने घर बुलाया और गला दबाकर हत्या करने के बाद उसके शव को छिपाने व साक्ष्यों को मिटाने के लिए लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के लीली गांव के पास बंध की पाल पर बने हुए कुएं में पटक दिया था, जिस पर पुलिस ने मामले में सास बहू पिता पुत्र को हत्या व साक्ष्य मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पैसे के लेन देन को लेकर हत्या करने की बात सामने आ रही है। अजमेर जिले के झुंझारजी में ज्योत करते समय मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। मधुमक्खियों ने हमले से 8 लोग अचेत हो गए हैं, जिन्हें पीसांगन सीएचसी में भर्ती कराया गया है। हालांकि इलाज के बाद सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। फिलहाल अभी सभी की हालत ठीक है। एनपीए की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे पशु चिकित्सकों ने राजधानी जयपुर में जिला मुख्यालय पर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। एनपीए की मांग को लेकर पशु चिकित्सक 18 सितंबर से सामूहिक अवकाश और हड़ताल पर हैं। आपको बताएं कि पशु चिकित्सकों की हड़ताल से कामधेनु बीमा योजना के तहत पशुपालक बीमा कार्य सहित कई योजनाओं में काम प्रभावित हो रहा है। वेटरनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने यह बताया है। 40 दिन के आमरण अनशन के बाद पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया के साथ हुई वार्ता में सहमति बन गई थी, लेकिन एनपीए की घोषणा नहीं होने के कारण पशु चिकित्सकों ने सभी जिला मुख्यालयों पर फिर से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। मांगे नहीं मानने तक पशु चिकित्सक आमरण अनशन जारी रखेंगे। अगली खबर झुंझुनू से है। 3 दिनों से बुजुर्ग पिता दर दर भटकने को मजबूर है। बुजुर्ग ने बीएसएनएल कार्यालय के पास सड़क पर रह रहे हैं। बुजुर्ग की तबीयत ठीक नहीं है। आसपास के लोग बुजुर्ग के लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। बुजुर्ग जयपुर का निवासी बताया जा रहा है। 3 दिन पहले कार में बुजुर्ग पिता की बेटी उन्हें नगर परिषद कार्यालय के सामने कार से उतार कर चली गई। बुजुर्ग अपना नाम और पता बताने में असमर्थ हैं। कॉलोनी के लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। ये इधर ये बीएसएनएल कॉलोनी के आगे और ये जयपुर हार्ट हॉस्पिटल ना इसके सामने बैठे हैं पिछले 2 दिन से, और मैंने इनको मेरा जो होश का वो खाना भी दे दिया, और इनके परिजनों से अनुरोध है कि इनको आए और इनको लेके जाएं। ये बहुत दुखी कंडीशन में है, और रात को हमने एम्बुलेंस वालों को भी फोन किया था, वो उन्होंने एड्रेस पूछा और उसके बाद वो आए नहीं। वहीं डिडवाना और आसपास के क्षेत्र में हुई भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। तेज बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं, लोगों के घरों में पानी भर गया है। जल निकासी नहीं होने से ग्रामीण परेशान हैं। बदबूदार गंदे पानी के बीच रहने को लोग मजबूर हैं। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के सरपंच सहित प्रशासनिक अधिकारियों से जल निकासी की मांग की है। झालावाड़ राज परिवार की सदस्य राजमाता स्वरूपा देवी का निधन होने से झालावाड़ में शोक की लहर है। महाराज राणा चंद्रजीत सिंह की माता स्वरूपा देवी का निधन उनके दिल्ली के निज निवास डिफेंस कॉलोनी में हुआ। 80 वर्षीय राजमाता स्वरूपा देवी का लंबे समय से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में कैंसर का इलाज चल रहा था। झालावाड़ राज परिवार से जुड़े लोगों ने बताया है कि ये खबर जैसे ही झालावाड़ शहर के लोगों को मिली तो उनके झालावाड़ निवास कोठी पर समाज के लोग एकत्रित हुए। उनके पार्थिव देह को 26 सितंबर को देर शाम तक झालावाड़ लाया जाएगा। 27 सितंबर को पृथ्वी विलास पैलेस के पीछे स्थित चार बाग में अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि राजमाता स्वरूपा कुमारी उत्तराखंड रियासत के टेहरी गढ़वाल के महाराजा मानवेंद्र शाह साहिब बहादुर की पुत्री थी। उनका विवाह झालावाड़ के पूर्व महाराज राणा इंद्रजीत सिंह के साथ हुआ था। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री है। 1:40 में राजमाता जो हमारे हैं झालावाड़ स्टेट के, उनका स्वर्गवास हो गए, और वो काफ़ी लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे, और दिल्ली इनके हाउस पे डिफेंस कॉलोनी हाउस पे उनका स्वर्गवास हुआ है।